आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां पर गौरव दिवस कार्यक्रम के दौरान गीतकार और लेखक मनोज मुंतशिर ने लव जिहाद को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जब हम अपनी बेटियों को नहीं समझा पाते, उनको ज्ञान नहीं दे पाते, तब बेटियां लक्ष्मण को छोड़कर खरदूषण के गले में वरमाला डाल देती हैं। दुख भरे पन्ने हैं साथियों, मैं पलटना नहीं चाहता, आपको भी दुख होगा, मुझे भी वेदना होगी, लेकिन अभी 3 दिन पहले जो दिल्ली में हुआ हम सब ने देखा, और उसके थोड़े दिनों पहले जो साक्षी के साथ अभी हुआ, इसके पहले जो श्रद्धा के साथ उसी दिल्ली में हुआ था, वो भी हमने देखा। हम क्यों अपनी बच्चियों को प्यार से बिठा के, वो बच्चियां जिनका इतना ख्याल रखते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, वो बच्चियां जिनके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम उनसे क्यों इतनी सी बात नहीं कर पाते कि फूलों की तरह तुझको संभाला है हमेशा, कांटों की इबादत नहीं करना मेरी बेटी, इतना ही तो कहना है कि फूलों की तरह तुझको संभाला है हमेशा, कांटों की इबादत नहीं करना मेरी बेटी, 35 टुकड़े होके पहुंच जाए जो फ्रिज में, तू ऐसी मोहब्बत नहीं करना मेरी बेटी। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। आगर मालवा के दौरे पर पहुंचे पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुगंता मजूमदार, धार्मिक यात्रा पर नलखेड़ा पहुंचे मां बगलामुखी मंदिर में की पूजा अर्चना। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय सहित प्रदेश के 13 सरकार विद्यालयों के कर्मचारी आरडीवीवी ने 3 से 5 जून के बीच आयोजित परीक्षाओं को किया स्थगित। बैतूल में दिव्यांग युवती को शादी के झांसा देकर यौन शोषण, दूसरी लड़की से शादी करने जा रहा था आरोपी, पीड़िता ने की पुलिस में शिकायत, आरोपी फरार। मोरना में घूरे पर कचरा डालने को लेकर दो पक्षों में विवाद, दो पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर बरसाए लाठी डंडे, दोनों पक्षों की महिलाएं समेत 7 लोग घायल। और इसी के साथ ही अपना एमपी के बुलेटिन में इतना ही।